मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने जीवन की आखिरी सांस तक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से पूरा देश प्रभावित था। स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की छत्र छाया में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका। आंदोलन के दौरान वह देश के कोने कोने में गए, उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी। हालांकि आपको बता दें कि बोस का बिहार और खास तौर पर पटना से गहरा लगाव था। 29 अगस्त 1939 को पटना के गांधी मैदान में हुई उनकी आम सभा ऐतिहासिक रही थी। आपको बता दें कि साल 1939 के अगस्त महीने में सुभाष चंद्र बोस बिहार आए थे। उन्होंने उस समय पटना में लगातार कुछ दिन बिताए। इसी में 29 अगस्त 1939 को पटना के बांकीपुर मैदान स्थित, जिसे आज हम गांधी मैदान के नाम से जानते हैं, वहाँ शाम करीब 5 बजे से आम सभा हुई। उस सभा में बोस का स्वागत करने के लिए जयप्रकाश नारायण और कवि राम वृक्ष बेनीपुरी उपस्थित थे। कहा जाता है कि उस दिन बोस ने भारतीय स्वतंत्रता को लेकर बिहार के लोगों के बीच एक उजस्वित, उत्साही और क्रांतिकारी भाषण दिया। उनकी अपील पर उस दिन सभा में मौजूद लोगों में एक अलग किस्म की क्रांति का संचार हुआ, जो आने वाले दिनों में आजादी के आंदोलन में बेहद अहम रहे। कहा जाता है कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बाद भी बोस को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए और सभा में करीब 20,000 लोगों की उपस्थिति देखकर बोस भी अचंभित रह गए थे। आपको बता दें कि 8 फरवरी 1940 को सुभाष बाबू जहानाबाद के ठाकुर बारी भी गए थे। उस समय उनके साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे। जहानाबाद की सभा में भाग लेने के लिए वे दिन के 12 बजे ही पहुंच गए थे, लेकिन एक छोटी नदी में उनकी कार फंस गई थी। इसके कारण वे ठाकुर बारी स्थित सभा स्थल पर 5 बजे शाम को पहुंचे। जहानाबाद स्टेशन पर उतरने पर उनका जयकारी के साथ भीड़ ने स्वागत किया था। वहीं आपको बता दें कि नेताजी द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिवान में की गई सीक्रेट मीटिंग भी काफी फेमस है। तब अंग्रेजों की इस मीटिंग की भनक तक नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साल 1940 में सिवान आए थे। तब अंग्रेजी हुकूमत की सरकार नेताजी को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही थी। उस वक्त नेताजी भेष बदल कर देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। इसी संबंध में वह सिवान के बबुनिया रोड स्थित मोहम्मद अजीज बाबू के घर रुअफजा मंजिल में कुछ समय के लिए रुके थे। आपको बता दें कि 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतिम बार गोमो में दिखे थे। 18 जनवरी 1941 को पुराना कंबल ओढ़कर कार के सहारे गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ी थी। आज भी गोमो के लिए ये रोमांच का विषय बना हुआ है। गोमो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 के बीच उनकी प्रतिमा लगाई गई है। बता दें कि 11 अप्रैल 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार दरभंगा आकर महाराजा कामेश्वर सिंह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को इतना गुप्त रखा गया था कि महाराजा खुद गाड़ी चलाकर उन्हें लाने गए थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।